उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस ने गांजा ले जा रहे चार युवकों को गिरफ्तार किया है। जिस ऑटो से ये युवक गांजा ले जा रहे थे, पुलिस ने उसे पकड़कर सीज कर दिया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया है। कन्नौज में ऑटो पर गांजा ले जाने की सूचना पुलिस को मुखबिर के ज़रिए से मिली थी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने ऑटो को रोक लिया। जांच पड़ताल के दौरान ऑटो में गांजे की पोटली बरामद हुई, जिसके बाद ऑटो में सवार चार लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि ऑटो में 43 किलो 250 ग्राम गांजा रखा था, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए है। गांजे के साथ पुलिस ने कचहरी टोला मोहल्ले के रहने वाले मनीष गुप्ता, पकरिया टोला मोहल्ले के रहने वाले सुमित राठौर, हाजीगंज खुर्द के रहने वाले मैनुद्दीन और अरारावरी मोहल्ले के रहने वाले विकास कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। सभी की उम्र 27 से 30 साल के बीच बताई गई है। कोतवाली इंचार्ज राजकुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान युवकों ने मार्केट में गांजे की सप्लाई करने की बात कबूल की है। पकड़े गए मनीष गुप्ता समेत उसके साथियों पर पहले से भी सदर कोतवाली में केस दर्ज हैं। मनीष के खिलाफ आईटी एक्ट, आईपीसी की धारा 307 और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। सुमित राठौर पर आईपीसी की धारा 606, 279, 337, 338, 427 के अलावा धारा 504, 506, 507 और एनडीपीएस के तहत केस दर्ज हैं। मैनुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 182, 211, 420 और 8/20 एनडीपीएस के तहत केस दर्ज हैं। वहीं चौथे अभियुक्त विकास कुशवाहा पर धारा 8/20 एनडीपीएस के तहत केस दर्ज हैं। मोहम्मद नासिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कन्नौज।